अब किसी क्रिमिनल एक्ट की सजा देने से पहले कोर्ट एक्यूज को मौका देती है अपनी इनोसेंस प्रूव करने का, एंड कोर्ट इज प्रिज्यूम दैट अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। अब टोटल 31 डिफेंसेस हैं आईपीसी में, सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक। अब इन जनरल डिफेंसेस या इन जनरल एक्सेप्शन को यूज करके एक्यूज अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है कोर्ट में, एंड जनरल एक्सेप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आईपीसी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अब जनरल एक्सेप्शंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला एक्सक्यूजेबल एक्ट, दूसरा जस्टिफाइड एक्ट। अब एक्सक्यूजेबल एक्ट वो एक्ट होते हैं जिसमें पर्सन को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, मतलब ना उसकी इंटेंशन होती ना नॉलेज होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी क्राइम कमिट करने की, उसने अपने जो भी किया मेंटल सिकनेस की वजह से किया। ये सब सेक्शंस एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस में आते हैं। अब दूसरा है जस्टिफिएबल एक्सेप्शंस। अब जस्टिफाइड एक्ट वो एक्ट होते हैं जिसमें जो पर्सन एक्ट कर रहा होता है उसे पूरी नॉलेज होती है उस एक्ट की, लेकिन कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो एक्ट जो भी एक्ट कर रहा होता है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसी परिस्थिति में करता है जिसका उसका क्रिमिनल एक्ट जस्टिफाइड हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक कार में जा रहे हो और आपकी कार की ब्रेक फेल हो गई। अब आप पे दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट या तो राइट। अब लेफ्ट में 15-20 लोग खड़े हैं और राइट में खाली 2 ही लोग खड़े हैं। अब आपने राइट ले लिया और वहां पे 2 लोग इंजर्ड हो गए। अब जो आपने एक्ट किया है वो जस्टिफाइड एक्ट है। अब अगर आप लेफ्ट ले लेते हो तो 15-20 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन आपने राइट लिया तो खाली 2 ही लोग इंजर्ड हुए हैं, तो आपका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड एक्ट है। और ये सब सेक्शन है जो जस्टिफाइड एक्सेप्शंस में आते हैं। अब सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कहा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे होगा ना कि प्रोसिक्यूशन पे इन डिफेंसेस या एक्सेप्शंस को प्रूफ करने का। अब हमारा पहला डिफेंस है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो एक मैगजीन है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूज एक्ट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी सिमिलरली तो सेक्शन 76 और 79 में प्रोटेक्शन मिलती है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे मिलती है ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ पे। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जाम्पल है जैसे एक पर्सन ने रात में जंगल में झाड़ियों के पीछे एक ह्यूमन बीइंग को शूट कर दिया जंगली जानवर समझ के। अब सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है एक पर्सन ने डेल्यूजन में अपने बेटे को ही मार दिया टाइगर समझ के। अब इन केसेस में एक्यूज लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसने ऐसा बोनाफाइड बिलीफ में किया, बोनाफाइड मिस्टेक थी उसकी। अब मिस्टेक ऑफ लॉ का एग्जाम्पल है जैसे आप मर्डर करके ये नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं था ये क्राइम है। सिमिलरली आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ के ये नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं था कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ना ऑफेंस है। अब हम देखते हैं सेक्शन 76 और 79 को। अब सेक्शन 76 में दो केस की बात करता है। पहला, जब पर्सन बाउंड बाय लॉ होता है। फॉर एग्जांपल, ए एक सोल्जर है, उसने मॉब पे फायरिंग कर दी अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से, तो ए ने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ। अब दूसरा केस ये बताता है जब पर्सन अपने आप को बाउंड बाय लॉ समझता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक कोर्ट का ऑफिसर होता है, उसको कोर्ट से ऑर्डर होता है जेड को अरेस्ट करने का और वो इंक्वायरी भी करता है जिसमें उसको लगता है कि वाई ही जेड है और वो वाई को अरेस्ट कर लेता है, तो अब ए लाइबल नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए यहाँ पे। अब देखते हैं सेक्शन 79 के इनग्रीडियंट्स को। अब सेक्शन 79 ये कहता है कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इसे किया जाता है और उसे करना कानून के द्वारा जस्टिफाइड हो। अब सेक्शन 76 और 79 में बस इतना ही फर्क है, सेक्शन 76 में बाउंड बाय लॉ है और सेक्शन 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है। सेक्शन 76 में लीगल कंपल्शन है और 79 में लीगल जस्टिफिकेशन है। अब सेक्शन 79 का एग्जांपल देखते हैं। ए जेड को देखता है और ए को लगता है जेड किसी का मर्डर कर रहा है, तो ए जेड को पकड़ लेता है
वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि सीआरपीसी में प्रोविजन है जो हर व्यक्ति को पावर देता है कि अगर आप किसी पर्सन को ऑफेंस करते हुए देखते हो तो आप उस पर्सन को पकड़कर पुलिस को सौंप सकते हो, प्रॉपर अथॉरिटीज को सौंप सकते हो। तो इस अधिकार के तहत एजेड को पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद पता चलता है कि जेड मर्डर नहीं कर रहा था, वो अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ए लाइबल नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने के लिए। अब हम कुछ केस लॉज देख लेते हैं। पहला केस लॉ मैंने लिया मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, दूसरा लिया मिस्टेक ऑफ लॉ का, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए इनके बीच में डिफरेंस। अब पहला केस है आर वर्सेस टॉल्सन का। अब इस केस में क्या हुआ था कि अपीलेंट की शादी 1880 में हुई थी और 1881 में उसके हस्बैंड खो गए थे। उसको बताया गया था कि वो समुद्र में डूब गए हैं। फिर 6-7 साल बाद अपने पति की मृत्यु का विश्वास करके वो किसी और से शादी कर लेती है। फिर 11 महीने बाद उसका पहला पति लौट आता है और उस पर बाइगेमी का केस कर देता है। अब वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस लेती है। अब क्या होता है कि कोर्ट उस लेडी के बिलीफ को रीजनेबल मान लेती है और उसको डिफेंस ग्रांट कर देती है। अब दूसरा केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जॉर्ज का। अब एमएस जॉर्ज एक फ्रांस का व्यक्ति होता है, तो इंडिया से बाहर गोल्ड ले जा रहा होता है। अब जब वो पकड़ा जाता है तो वो ये डिफेंस लेता है कि उसको पता नहीं था कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखी है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट उसकी ये डिफेंस खारिज कर देती है और ये बोलती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। दूसरा डिफेंस मिलता है जुडिशियल एक्ट्स को सेक्शन 77 और 78 में। सेक्शन 77 में जजेस के एक्ट को इम्यूनिटी मिलती है अगर कोई जज गुड फेथ में अपनी जुडिशियल ड्यूटीज एग्जीक्यूट कर रहा है विद इन हिज जुरिडिक्शन, तो उस एक्ट पर जजेस प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते। और सेक्शन 78 में उन बंदों को इम्यूनिटी मिलती है जो किसी जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर के तहत एक्ट कर रहे हो। सेक्शन 77 और 78 में बस एक डिफरेंस है कि सेक्शन 77 में जज को इम्यूनिटी जब ही मिलेगी जब वो अपना जुडिशियल एक्ट विद इन हिज जुरिस्डिक्शन करेंगे, लेकिन सेक्शन 78 में अगर कोई एक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर भी एग्जीक्यूट किया है तब भी इम्यूनिटी मिल सकती है। हमारा तीसरा डिफेंस है एक्सीडेंट का। अब अगर कोई पर्सन लॉफुली एक्ट करता है बिना क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक बर्ड को गन से शूट किया बट अनफॉर्चुनेटली वो गोली पेड़ से लग के आपके दोस्त को लग गई और आपके दोस्त को चोट लग गई, तो आप इस एक्ट में लाइबल नहीं हो क्योंकि ना आपकी इंटेंशन थी अपने दोस्त को हर्ट करने की और ना ही आपको नॉलेज थी कि आपके इस एक्ट पे आपके दोस्त को चोट लग जाएगी। सिमिलरली इस केस में क्या होता है कि एक वुमेन पे चार्ज लगता है चोरी का सुपरमार्केट से सामान चुराने के लिए, और वो अपने डिफेंस में बोलती है कि ना तो उसकी क्रिमिनल इंटेंशन थी और ना ही उसको नॉलेज थी, जो भी उसने किया डिप्रेशन की वजह से किया। और वो अपनी मेंटल इलनेस कोर्ट में प्रूव भी कर देती है अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर, और कोर्ट वो एक्सेप्ट करते हुए उसे डिफेंस ग्रांट कर देती है। तो डिफेंस है नेसेसिटी का। अब इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन बड़े नुकसान को बचाने के लिए अगर कोई छोटा नुकसान करता है तो वो पर्सन उस छोटे नुकसान के लिए लाइबल नहीं होगा, लेकिन वो एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए और बिना किसी माइल इंटेंशन के विदाउट एनी मेंस्रिया। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूज ने शिप का कार्गो ऑयल डिस्चार्ज कर दिया था प्लेंटिफ के बीचेस पे अपने क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए। अब क्या हुआ कि क्रू मेंबर्स की जान तो बच गई लेकिन प्लेंटिफ के बीचेस गंदे हो गए। तो यहाँ पे कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को देख के एक्यूज को एक्विट कर दिया। अब ये केस है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, ये काफी बार एग्जाम्स में इस केस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अब इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। अब चार लोग नाव में जा रहे होते हैं और फिर तूफान आने की वजह से ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। बहुत दिन चले जाते हैं लेकिन इनको रास्ता नहीं मिलता।
फिर 18 दिन बाद जब इनका सारा खाना पानी खत्म हो जाता है, तो उन चार में से एक व्यक्ति जो 18 साल का होता है उसे डेडली एंड स्टीफन मारकर खा जाते हैं ताकि वो आने वाले दिनों में सरवाइव कर सके। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद पास में एक शिप जा रही थी जिन्होंने इनको बचा लिया। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे उन्हें मर्डर के लिए ट्राई किया गया। इन्होंने नेसेसिटी डिफेंस लिया पर कोर्ट ने बोला अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान लेना किसी भी सरकमस्टांसेस में सही नहीं है। इस केस में कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में बोला कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। हमारा अगला डिफेंस है बच्चों के लिए। सेक्शन 82 में ये बताया है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम का अगर कोई भी ऑफेंस करता है, चाहे वो मर्डर करे, थेफ्ट करे, कुछ भी करे, तो वो लाइबल या गिल्टी नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डोली इनकैपेक्स व्हिच मींस इनकैपेबल ऑफ इविल। मतलब इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट दैट अ चाइल्ड इज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। सेक्शन 82 में 7 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करी है और सेक्शन 83 में 7 से 12 साल तक के बच्चों को कंडीशनल इम्यूनिटी दी जाती है। मतलब जिस बच्चे ने इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी। जिन्होंने सफिशिएंट मैच्योरिटी के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट किया है उन बच्चों को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बच्चे ने अपने फादर को शूट कर दिया गन से विद इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग, तो इन दिस केस ही विल नॉट बी लाइबल इफ ही हैज नॉट अटेन्ड मैच्योरिटी। हमारा अगला डिफेंस है इंसैनिटी का। सेक्शन 84 में जो पर्सन अनसाउंड माइंड या मेंटली इल होते हैं वो डिफेंस ले सकते हैं, लेकिन ये एसेंशियल एलिमेंट्स कि उसको प्रूव करने पड़ेंगे कोर्ट में। पहला, जब एक्यूज ने क्राइम कमिट किया तो अनसाउंड माइंड का था। दूसरा, एक्यूज को एक्ट का नेचर ही नहीं पता था वो कर क्या रहा है, और ना एक्यूज को ये पता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कानूनी अपराध है। अब अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक्यूज ने कोर्ट के सामने प्रूव कर दिए तो एक्यूज को इंसैनिटी का डिफेंस मिल जाएगा और वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से छूट जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल ए ने मेंटल इलनेस में बी की हत्या कर दी चाकू मार के ये सोच के कि ये मजेदार गेम है, तो इस केस में ए लाइबल नहीं होगा क्योंकि ए को पता ही नहीं था कि वो सही कर रहा है या गलत। अब सेक्शन 84 इस मैगजीन पे बेस्ड है। इसका मतलब है एक इनसेन पर्सन कभी भी अपनी डीड या अपने एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसके एक्ट में उसकी फ्री विल नहीं है और ना ही उसकी इंटेंशन है। अब एक केस है आर वर्सेस डेनियल मैकलोटन का। ये बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस केस है सेक्शन 84 का। इस केस के रूल्स और प्रिंसिपल्स को प्रिंसिपल्स ऑफ इंसैनिटी भी कहा जाता है। पहले इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। मिस्टर रॉबर्ट पील जो इंग्लैंड के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उनका सेक्रेटरी था मिस्टर ड्रमोंड, जिनका मर्डर किया था मैकलोटन ने इस कंफ्यूजन में कि मिस्टर ड्रमोंड ही रॉबर्ट पील है। जब मैकलोटन का केस कोर्ट में चला तो उसने डिफेंस ऑफ इंसैनिटी प्लीड किया कि मैकलोटन का उसके एक्ट्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं था, तो कोर्ट ने मैकलोटन को एक्विट कर दिया और जजमेंट्स में कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो इंडिया में भी फॉलो होते हैं। इसमें ये बताया है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जिस भी व्यक्ति ने क्राइम किया है वो सेन पर्सन है अनलेस कोई कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं करता, और अगर एक्यूज्ड इंसैनिटी का डिफेंस प्लीड करता है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब उसने क्रिमिनल एक्ट कमिट किया जब वो अनसाउंड माइंड का था और उसको पता नहीं था कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत। अब हमारा अगला डिफेंस है इंटॉक्सिकेशन का। ये डिफेंस इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को मिलता है, मतलब जिन्होंने अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम किया होता है उसे इंटॉक्सिकेटेड पर्सन बोलते हैं। सेक्शन 85 बात करता है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की और सेक्शन 86 बात करता है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की। कोर्ट इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस बस इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में ही देता है,
मतलब वो पर्सन इंटॉक्सिकेट अगेंस्ट हिज विल हुआ हो या विदाउट हिज नॉलेज किसी ने उसे इंटॉक्सिकेट कर दिया हो। सपोज आपको पार्टी में आपके फ्रेंड ने अल्कोहल पिला दी ये बोल के कि ये इम्पोर्टेड जूस है और आप इंटॉक्सिकेट हो गए और वापसी घर जाते हुए आपने इंटॉक्सिकेशन में किसी बंदे को ठोक दिया, तो आप यहाँ पे लाइबल नहीं हो क्योंकि आप इंटॉक्सिकेट विदाउट आपकी नॉलेज हुए थे। और वॉलेंट्रीली इंटॉक्सिकेशन इसलिए डिफेंस नहीं बनाया गया क्योंकि ऐसे तो कोई भी अल्कोहल लेके क्राइम कर लेगा और डिफेंस ले लेगा इंटॉक्सिकेशन का। अब इंटॉक्सिकेशन का एक बहुत फेमस केस लॉ भी है, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो। इस केस में क्या हुआ था कि एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर पे एक 15 साल के लड़के का मर्डर का चार्ज लगता है और एक्यूज्ड डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन प्लीड करता है, बट इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि उसने खुद ही अल्कोहल कंज्यूम करी थी और विक्टिम को गन से शूट करने के बाद वो माफी भी मांग रहा था। मतलब वो क्राइम करते हुए कॉन्शियस था और वो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट हुआ था, तो एक्यूज को कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। एंड इन दिस केस द एक्यूज वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। एंड आर नेक्स्ट डिफेंस इज कंसेंट, विच मीन्स परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन। अब आईपीसी में ये तो डिफाइन नहीं है कि कंसेंट क्या होता है, बट सेक्शन 90 में ये बताया है कि पूरे आईपीसी के किसी भी सेक्शन में जहां भी कंसेंट वर्ड आएगा तो उस कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो कंसेंट किसी पर्सन ने इंजरी के डर से दियो या कंसेंट उसने मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट मतलब भ्रम में दी है, या उस पर्सन का अनसाउंड माइंड है, या वो इंटॉक्सिकेट होके कंसेंट दे रहा है, या वो कंसेंट 12 साल से कम उम्र के पर्सन ने दी है, तो इन कंसेंट्स को कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं कंसेंट के डिफरेंट सेक्शंस को। सेक्शन 87 कहता है अगर दूसरे पर्सन ने कंसेंट दे दी और आपने कोई एक्ट किया और उस एक्ट से अगर उस दूसरे पर्सन को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन इसके साथ में है। पहली कंडीशन ये है कि उस एक्ट को करते हुए ना आपकी गिल्टी इंटेंशन थी और ना ही आपको नॉलेज थी कि आपके इस एक्ट से सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन थी सामने वाले व्यक्ति जिसने कंसेंट दिया है वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कुछ सालों पहले फिलिप ह्यूज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बैटिंग करते हुए उनकी डेथ हो गई थी बाउंसर लगने से। तो अब जो बॉलर थे सीएन एबॉट उनका नाम था, अब जो बॉल उन्होंने फेंकी तो अब वो लाइबल नहीं थे फिलिप ह्यूज की डेथ के लिए क्योंकि बॉलिंग डालना उनका काम था और उन्होंने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि ना उनकी इंटेंशन थी फिलिप ह्यूज की डेथ कॉज करना और ना ही उनको नॉलेज थी। अब नेक्स्ट है सेक्शन 88। अब सेक्शन 88 में बेसिकली डॉक्टर्स और नर्सेस को इम्यूनिटी मिलती है जब वो अपना काम गुड फेथ में कर रहे होते हैं विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम और पेशेंट। लेकिन वो काम गुड फेथ में नहीं कर रहे तो दे आर लाइबल, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक सर्जन हो और आपके पास एक पेशेंट आया और उसकी सर्जरी करनी है उसकी जान बचाने के लिए। आपको ये पता है कि इस सर्जरी में उसकी जान भी जा सकती है लेकिन आप पेशेंट की कंसेंट से गुड फेथ में सर्जरी करते हो और अगर बाय चांस उसकी जान भी चली जाती है तब भी आप लाइबल नहीं हो। तो बस ये सेक्शन 88 यही बताता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 89। ये कहता है कि आपका एक्ट क्राइम नहीं माना जाएगा अगर आपने वो एक्ट किसी बच्चे की भलाई के लिए किया है जिसकी उम्र 12 साल से कम है या किसी इनसेन मतलब पागल व्यक्ति के लिए किया है कि गार्जियन की कंसेंट के साथ गुड फेथ में, तो वो एक्ट आपका लाइबल नहीं माना जाएगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
ए ने गुड फेथ में अपने बच्चे की भलाई के लिए उसका ऑपरेशन करा दिया बिना उस बच्चे की कंसेंट से। तो अगर ऑपरेशन में बाय चांस उस बच्चे की डेथ भी हो जाती है तो ए लाइबल नहीं होगा किसी ऑफेंस के लिए, पर सेक्शन 89 इतना ही बताता है। अब है सेक्शन 91। अब सेक्शन 91 एक्सेप्शन है सेक्शन 87, 88 और 89 का। अब सेक्शन 87, 88 और 89 ये बताता है कि अगर कंसेंट ना दी होती सामने वाले पर्सन ने तो एक्ट क्राइम होता। और सेक्शन 91 में ये बताया है कि अगर कोई एक्ट इलीगल है और उसमें अगर कंसेंट भी दी हो सामने वाले ने तब भी वो ऑफेंस ही माना जाएगा। इलीगल एक्ट में उसके कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी में मिसकैरेज ऑफेंस है। अब अगर वुमेन ने कंसेंट भी दे दी हो मिसकैरेज करने के लिए तब भी वो ऑफेंस ही माना जाएगा। उस वुमेन की कंसेंट से सामने वाले को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अब हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 92। सेक्शन 92 ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्ट किया है इन गुड फेथ सामने वाले की कंसेंट के बिना भी और उसे नुकसान होता है उस एक्ट से तब भी ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहली, वो एक्ट आपने सामने वाले की भलाई या बेनिफिट के लिए किया हो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन कि सामने वाले से कंसेंट लेने का आपके पास टाइम ना हो या सामने वाला कंसेंट देने में असमर्थ हो। ये हम कुछ इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अब सपोज आप एक घर में बंद हो एक बच्चे के साथ और वहां आग लग गई और आपने उस बच्चे को छत से फेंक दिया ये देख के कि नीचे लोग कंबल लेके खड़े हैं और उसे बचा लेंगे। अब बाय चांस उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो आप लाइबल नहीं हो किसी ऑफेंस के लिए क्योंकि आपने तो उस बच्चे की भलाई के लिए फेंका था उसको गुड फेथ में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप एक सर्जन हो, आपके सामने एक बच्चे को बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और आपको लगता है कि अगर इसको जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी डेथ हो जाएगी। अब आपने गुड फेथ में बिना उसके पेरेंट्स की कंसेंट से ऑपरेशन कर दिया और अब अगर बाय चांस उस बच्चे की डेथ भी हो जाती है तो आप लाइबल नहीं हो किसी ऑफेंस के लिए क्योंकि आपने जो भी किया उस बच्चे की भलाई के लिए किया। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। अब नेक्स्ट है सेक्शन 93। अब सेक्शन 93 का बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही जरूरत पड़ती है डिफेंस लेने की क्योंकि ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने कोई कम्युनिकेशन करी है दूसरे पर्सन से उसी की बेनिफिट के लिए गुड फेथ के साथ और अगर उस कम्युनिकेशन से दूसरे पर्सन को कोई हार्म या नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए आप लाइबल नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज फिर से आप एक सर्जन हो और आपको पता है कि आपका एक पेशेंट ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला। आपने ये बात गुड फेथ में अपने पेशेंट को कम्युनिकेट कर दी और ये बात सुनने के बाद उसे शॉक लगा और हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, आप लाइबल नहीं हो ये बात कम्युनिकेट करने के लिए। ये आपकी ड्यूटी थी, आपने सच बताया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 94। अब सेक्शन 94 में उन बंदों को इम्यूनिटी मिलती है जो किसी कंपल्शन में या थ्रेट से क्रिमिनल एक्ट करते हैं और वो थ्रेट इंस्टेंट डेथ का होना चाहिए। अगर थ्रेट फ्यूचर डेथ का होगा तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अभी हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने थ्रेटन किया धमकाया कि आपको आपके पड़ोसी की कार चोरी करनी है और आपके पास 1 वीक का टाइम है और उसने बोला आपने उसका काम नहीं किया तो वो आपको जान से मार देगा। अब यहाँ पे थ्रेट जो मिला है आपको वो फ्यूचर डेथ का मिला है। अब अगर आपने अपने पड़ोसी की कार चोरी करी तो आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी इस सेक्शन में। अब सेक्शन 94 इस मैगजीन पे बेस्ड है। एक्टस मी इन वाई टो फैक्टस नोन एस्ट म्यूस एक्ट विच मीन्स एन एक्ट विच इज डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एंड हेंस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड।
अब इस सेक्शन के जो मेन इंग्रेडिएंट है इंस्टेंट डेथ, इसके भी दो एक्सेप्शन हैं। मतलब अगर आपको किसी ने धमकी भी दी है इंस्टेंट डेथ की, तब भी आप किसी का मर्डर या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट जो कि पनिशेबल विद डेथ है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन पे बेस्ड है, जो हमने सेक्शन 84 में भी देखा था डडली एंड स्टीफन के केस में, कि अ मैन कांट किल अनदर टू सेव हिज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको गन पॉइंट पे किसी ने मर्डर करने को कहा और आपने कर दिया इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फिर आपको कोर्ट में डिफेंस लेते हो इस सेक्शन का, तो आपको कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। नाउ सेक्शन 95, विच इज वेरी इजी, इट डील्स विद द एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म और ट्रिफलिंग एक्ट्स, मतलब आपके ऐसे एक्ट्स जिनसे काफी माइनर हार्म हुआ है दूसरे पर्सन को, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन अ मैगजीन डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, विच मीन्स द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स। ट्रिफल्स मतलब माइनर एक्ट या पिटी थिंग्स, माइनर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने किसी के गाल खींच दिए छोटे बच्चे के, तो उसके पेरेंट्स आपके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। सिमिलरली, आपने किसी का लाइटर लिया बिना पूछे अपनी सिगरेट जलाने के लिए, उसको वापस करने की इंटेंशन से, तो ये ऑफेंस नहीं होगा थेफ्ट का। हमारा नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जनरल एक्सेप्शन में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट पे एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। आईपीसी में सेक्शन 96 से 106 तक सभी लोगों को प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस का राइट दिया हुआ है। सेल्फ डिफेंस मतलब कोई भी पर्सन अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दूसरे पर्सन को हार्म कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट डिफेंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लॉ ये कहता है कि कोई भी पर्सन अपने बचाव में सिर्फ उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना उसके बचाव के लिए जरूरी था। सपोज एक आदमी आपको डंडे से मारता है, वो जब मारने की कोशिश कर रहा है आप भी उसे एक डंडा मार के रोकने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये नहीं कि उसने डंडा मारा और उस पे आपने गन चला दी। इस केस में आपको कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। और ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप किसी स्ट्रेंजर की प्रॉपर्टी और उसकी जान बचाने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज रात में आपके पड़ोस के घर में चोर घुस रहे हो, आपने देख लिया उन चोरों को, तो ऐसा नहीं कि वो आपका घर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो एक्शन आप अपने घर को बचाने के लिए ले सकते हो, वही एक्शन आप पड़ोसी के घर को बचाने के लिए भी ले सकते हो। अब सेक्शन 102 और 105 में बस इतना ही बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप जब तक ही ले सकते हैं जब तक आपकी बॉडी या प्रॉपर्टी पे डेंजर है। ये नहीं कि आज आपको खतरा था किसी से और आप कल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। ये सेक्शंस बस इतना ही बताते हैं। अब हम देखते हैं उन सिनेरियोस को जिसमें आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। ये दिए हुए हैं सेक्शन 100 और 103 में। पहले देखते हैं अगेंस्ट बॉडी वाला, मतलब जब आपकी बॉडी को खतरा हो। इसमें 7 सिनेरियो हैं जिसमें आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। पहला, अगर आपको डेथ का खतरा हो या ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो या रेप का खतरा हो या कोई अननेचुरल लस्ट या ग्रेटिफिकेशन का खतरा हो, किडनैपिंग या अबडक्शन का खतरा हो, या फिर अगर आपको किसी ने रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया और आपको असोल्ट का खतरा है उस पे, और आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप फिर भी सामने वाले एक्यूज की जान ले सकते हैं। एंड द लास्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई एसिड फेंकने वाला है, तब भी आप किसी की जान ले सकते हो। अब हमने सेक्शन 100 के तो देख लिया प्रोविजन अगेंस्ट बॉडी का, अब हम सेक्शन 103 में देखते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम कब डेथ कोर्स कर सकते हैं। सेक्शन
103 में अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब जब आपकी प्रॉपर्टी खतरे में हो तो उसके चार सिनेरियो हैं जिसमें आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। पहला वही रोबरी मतलब डकैती, ये आईपीसी में सेक्शन 390 में डिफाइन है। दूसरा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये सेक्शन 446 में डिफाइन है। या मिस्चीफ बाय फायर, जो आग लगाने की कोशिश करता है आपकी प्रॉपर्टी में, ये सेक्शन 425 से 440 तक डिफाइन है आईपीसी में। नेक्स्ट है आप चोरी के लिए या मिसचीफ के लिए या हाउस ट्रेसपास के लिए भी किसी की हत्या कर सकते हैं। लेकिन 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 लास्ट पॉइंट में ये प्रोविजन दिया है कि इन तीनों केसेस में, थेफ्ट मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास में, रीजनेबल एप्रिहेंशन आपको डेथ का होना चाहिए। मतलब आपको ये खतरा होना चाहिए कि वो चोरी करते हुए आपको जान से मार सकता है या ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, तो इन केसेस में आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। अब सेक्शन 98 ये बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको इनसेन, माइनर, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ ये देखा नहीं जाएगा कि उसकी क्रिमिनल इंटेंट है आपको मारने की या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको एक इनसेन पर्सन मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो अपनी जान बचानी है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाले की इंटेंशन है आपको मारने की या नहीं, ये सेक्शन बस इतना ही कहता है। अब एक सिनेरियो है सेक्शन 106 में, कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म पहुंचा दिया तब भी वो ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके ऊपर एक भीड़ ने हमला किया, अब आपके पास एक गन है और आपको पता है कि आपने भीड़ पर गोली चला दी, तो ये सब भाग जाएंगे। लेकिन उस भीड़ पे गोली चलाने में ये भी खतरा है कि कुछ बच्चे खड़े हैं जो इनोसेंट हैं। आपने गोली चला दी, मान लो किसी बच्चे को लग गई, तो उस केस में कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसमें आपको सेक्शन 106 की इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये सेक्शन बस इतना ही कहता है। अब है सेक्शन 99, अब ये बताता है कि कब आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। अभी तक हमने जो भी सेक्शंस पढ़े सेक्शन 96 से 106 तक, वो ये बताते हैं कि कब हम प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। सेक्शन 99 ये बताता है कि कब हम प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 99 ये बताता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपनी ड्यूटी कर रहा हो और आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, जब तक आपको रीजनेबल एप्रिहेंशन ना हो डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, कि वो पब्लिक सर्वेंट आपको जान से मार देगा या ग्रीवियस हर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जा रही है, आपको लगता है कि आप बेगुनाह हो, पर पुलिस को लगता है आपने क्राइम किया है और वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से उन्होंने आपको पकड़ा हो, तो इस केस में आप पुलिस के खिलाफ कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। इवन हो सकता है अगर पुलिस वाले गलत भी हो, तब भी आप पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, अनलेस इसका एक ही एक्सेप्शन है, अगर पुलिस वाले आपकी जान को एंडेंजर कर रहे हो या आपको ऐसा बुरी तरह मार रहे हो कि आपको जान का खतरा हो कि आपकी जान भी जा सकती है या भारी चोट पहुंच सकती है, उस केस में आप सेल्फ डिफेंस पुलिस के अगेंस्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा जनरल एक्सेप्शन का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। अभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जनरल एक्सेप्शन के, और आंसर आप चेक कर सकते हो वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में। और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।